नमस्कार, नमो न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं गोपाल पारिक। चलिए आज बात करते हैं सुल्तानपुर क्षेत्र में चलती हुई कार में अचानक आग लग गई। सत्र के सुरेला गांव के पास यह हादसा हुआ, जहां सुल्तानपुर से सुरेला की तरफ जा रहे वल्लभपुरा गांव निवासी एक चालक की कार में अचानक धुआं उठा। गनीमत रहे कि इस हादसे में कोई प्रकार की जनहानि नहीं हुई। जानकारी मुताबिक वल्लभपुरा गांव निवासी बाबू खान अपनी कार से यहां सुरेला की ओर जा रहा था कि यहां सुरेला गांव के पास अचानक कार में धुआं देखकर उसने कार को बीचोंबीच रोका और वहां से उतरकर एक साइड हो गया। देखते ही देखते यहां कार आग के गोले में तब्दील हो गई। आग से धुआं धुआं की लपटें यहां कार से निकलने लगी। सूचना मिलते ही सुल्तानपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और यहां आग के देखते हुए यहां सुल्तानपुर कस्बे से दमकल को कॉल किया गया। इसके बाद दमकल कर्मी मौके पहुंचे और बड़ी मशक्कत के साथ आग पर काबू पाया गया। गनीमत यह रही कार के पीछे यहां गैस सिलेंडर भी लगा हुआ था, जो कि फटने से दमकल कर्मियों द्वारा बड़ी मेहनत से बचा लिया गया, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था। जानकारी मुताबिक शॉर्ट सर्किट से यह आगजनी घटना सामने आ रही है, लेकिन यहां आग इतनी तेज थी कि कार थोड़ी देर में धू धू करके पूरी तरह जलकर राख हो गई। गनीमत यह रही कि हादसे में किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था। सुरेला गांव के पास यह हादसा सामने आया, जहां पर सड़क पर चलती हुई कार में अचानक आग लगी। चालक द्वारा सतर्कता दिखाते हुए यहां गाड़ी को रोका गया और दूर जाकर खड़ा हो गया। कुछ ही देर में देखते देखते यहां आग ने पूरी गाड़ी को चपेट में ले लिया और धू धू कर आग की लपटें निकलने लगी। सूचना मिलते ही सुल्तानपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और नागरिक सुरक्षा की फायर ब्रिगेड को सूचना दी, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम समय रहते मौके पर पहुंची। इस मौके पर फायरमैन जितेंद्र पहाड़िया ने बताया कि कार में यहां सिलेंडर भी रखा हुआ था। समय पर फायरमैन राकेश जैन, मनोज मीणा, भरतराज नागर, श्याम राम ने आग पर काबू पाया, नहीं तो सिलेंडर भी फट सकता था। दमकल कर्मियों द्वारा एक बार फिर यहां पर क्षेत्र में बड़ा हादसा होने से बचाया गया। लगातार दमकल कर्मी क्षेत्र में आगजनी की घटनाओं पर बेहतरीन तरीके के साथ लगातार सतर्कता के साथ काम कर रहे हैं और आग पर काबू पाने का बेहतरीन प्रयास। जहाँ सुल्तानपुर क्षेत्र में यह घटना हुई, संभवतया जहां तक जानकारी मिल पाई है, आग शॉर्ट सर्किट से आग की घटना लगने की सामने बात आई है।